दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुरुआत में सुशांत केस में अंकिता की तरफ से भी काफ़ी बातें कही जा रही थीं। बताया जा रहा था कि सुशांत ने अंकिता से व्हाट्सएप चैट्स की थी, जिसमें उन्होंने अंकिता को बताया था कि वो रिया के साथ इस रिलेशनशिप में फंस गए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन फिर भी ये रिश्ता तोड़ नहीं पा रहे हैं। वहीं ये खबर भी आई थी कि सुशांत ने अंकिता से फ़ोन पर भी बात की थी और दोनों की इस संबंध में फ़ोन पर भी बातें हुआ करती थी, लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद अंकिता ने भी सुशांत केस में चुप्पी साध ली और अब वो कहती नज़र आ रही हैं कि सोशल मीडिया में ये सारी बातें चलाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। 2016 से मैं और सुशांत बिल्कुल भी टच में नहीं थे, ना ही हमारी व्हाट्सएप पर कोई बातचीत हुई थी और ना ही कॉल्स पर। हाँ, मेरी फिल्म मणिकर्णिका का लुक देखकर सुशांत ने मुझे सोशल मीडिया पर कमेंट किया था और वहीं पर मैंने उसे जवाब भी दिया था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी ये जो भी बातें चलाई गईं कि हमारे व्हाट्सएप पर बात होती थी, फ़ोन कॉल पर बात होती थी, ये सब बातें झूठी हैं। दोस्तों, जहां कुछ दिन पहले तक भी अंकिता लगातार सुशांत को लेकर पोस्ट कर रही थी, सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही थी, वहीं अब अंकिता सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी, अपने लुक्स को लेकर पोस्ट डाल रही हैं, वीडियोस डाल रही हैं। जहां कुछ लोग उन्हें उनकी आने वाली नई जिंदगी के लिए बधाइयाँ दे रहे हैं, तो कई लोग उनकी निंदा भी कर रहे हैं कि अंकिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो सुशांत को भुलाकर इस तरह सजती संवरती नाचती नजर आएंगी, ये भूलकर कि सुशांत को अभी तक भी इंसाफ नहीं मिला है। ऐसे में आप अंकिता के लिए क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।